गाइस, अगर आपको भी गुड़ की चाय पसंद है और आपकी चाय बनाते समय फट जाती है, तो मैं ये आपको ट्रिक बताती हूँ जिससे आपकी गुड़ की चाय बिल्कुल भी फटेगी नहीं और आप इस गुड़ की चाय का लुत्फ़ उठाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा अग्रवाल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विंटर स्पेशल में मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट लाई हूँ गुड़ की चाय। अगर आप गुड़ की चाय के शौकीन हैं तो गाइस इस चाय का मज़ा लीजिए। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारी गुड़ की चाय फट जाती है, मगर मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी गुड़ की चाय बिल्कुल भी फटेगी नहीं और बहुत ही बढ़िया चाय बनके तैयार होगी और बहुत ही स्वादिष्ट चाय। तो क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है तो आज मैंने सोचा आपके संग इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ और बहुत ही टेस्टी चाय का मजा लेते हैं आपके संग। तो चलिए गाइस बना लेते हैं गुड़ की चाय। गाइस, गुड़ की चाय बनाने के लिए मैंने दो फ्राई पैन चढ़ा लिए हैं और एक फ्राई पैन में हम 2 कप पानी डालेंगे। हमें 3 कप चाय बना रहे हैं हम, तो उसके लिए मैं 2 कप पानी डालूंगी एक फ्राई पैन में। गैस को ऑन कर दिया मैंने और दूसरे फ्राई पैन में हम 1 कप दूध डालेंगे। और इसको हम दूध को अच्छे से खौला लेंगे। अब हमारा पानी थोड़ा थोड़ा खौलने लगा है। इसमें हम जो अदरक है मैंने इसे घिस लिया है थोड़ी सी, इसको मैं डाल दूंगी। और हमने 2 इलायची ले ली है, इसको भी मैं कूट करके इसमें डाल दूंगी। अदरक और इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इलायची को कूट लिया है और साथ ही हम इसमें अदरक डाल देंगे। अदरक का फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया लगता है इसमें। ये अच्छे से खौल जाएगी, उसके बाद ही हम इसमें चाय की पत्ती डालेंगे। और देखिए दूध भी हमारा अच्छे से खौल गया है। कभी भी, क्योंकि अदरक ऐसा होता है कि जो गुड़ की चाय होती है वो हमेशा फट जाती है, तो बिल्कुल फटे ना, इसके लिए आपको गुड़ की चाय बनाते समय इसमें दूध बिल्कुल भी डालना नहीं है। दूध हम अलग ही खौलाएंगे और बिल्कुल गर्म। अब दूध हमारा खौल गया, गैस को हम ऑफ कर देते हैं, इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। तब तक हमारी चाय रेडी हो जाएगी। गाइस देखिए, हमारी चाय अच्छे से खौल गई है और अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ मैंने देखिए 20 ग्राम लिया है और इसको मैंने अच्छे से चाकू से छोटा छोटा डाल दिया है, काट दिया है। और इसको अब हम इसमें डाल देंगे और गुड़ को जब तक ये बिल्कुल मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसमें इसको खौलाते रहेंगे चाय को। गुड़ की चाय बनाते समय हमें कुछ ट्रिक्स जरूर अपनानी चाहिए, नहीं तो हमारी गुड़ की चाय फट जाती है और पीने में भी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है। तो अब देखिए ये गुड़ जब हमारा मेल्ट हो जाएगा तभी हम इसको इसमें चाय की पत्ती डालेंगे। गाइस हमारी चाय खौल गई है और देखिए इसमें हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। और अब हम इसमें चाय की पत्ती डाल देंगे, अच्छे से इसको 1.5 चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे और इसे अच्छे से हमें खौलने देना है। और अब इस स्टेज पे देखिए अच्छे से खौल गई है चाय की पत्ती। आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। अच्छे से हमारी चाय खौल गई है और अब हम इसे छान लेते हैं। बिल्कुल इस समय आप बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा कि आप दूध को इसमें मिला दें, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, अब मैं पहले इसको चाय को छान लेती हूँ। गाइस देखिए, और हमें जो चाय है बिल्कुल आधी ही इसमें पोर करनी है। बस अब हमें इसमें जो हमने दूध बॉयल किया था उसको मिला देना। और देखिए हमारी चाय बिल्कुल भी नहीं फटी, देखिए बढ़िया चाय बनके हमारी तैयार हो गई है गुड़ की। गाइस चाय बहुत ही बढ़िया बनी है, देखिए कितनी बढ़िया और बहुत ही टेस्टी हुई, क्योंकि इसमें इलायची और अदरक का फ्लेवर बहुत ही लाजवाब है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये चाय, और इस ठंड में आप ये चाय बनाइए और मज़ा लीजिए इसे बिस्किट के संग।